दोबारा हम कब करेंगे इसका? 3 के बाद मेयर साहब जब भी डेट डिसाइड कर दे। ये जो मटेरियल ये कहाँ से दिया? नगर निगम ने दिया? ये नगर निगम से लिया। कलर तो इसके से हमने छुड़वाया है कहीं जगह से, तीन नगर लगा था। ये फ्रंट है? फ्रंट उस साइड। लोकेश सिंह राठौर सर। लोकेश जी बताएं, ये आपने जो राम मंदिर का डिज़ाइन बनाया है, किस तरह का ये डिज़ाइन है, कितना किस तरह से बनाया गया है, कितना टन इसमें लोहा यूज़ किया? सर जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है ये हूबहू उसकी एक रिप्लिका है, सेम उसी डिज़ाइन पर बना है और उसी तर्ज पर बना है। और इसमें जो आयरन वेस्ट का यूज़ किया गया है वो 21 टन है। कहाँ से ये मिला था? सर ये नगर निगम से हमें प्रोवाइड कराया गया था। क्या क्या है इसमें? सर ट्रक के चेचीज हुए, विद्युत विभाग के पोल हुए, उसके बाद झूले हुए और इसी तरह के सभी मटेरियल थे। ये मंदिर कहाँ पे किस जगह स्थापित किया गया है और कब तक बनेगा, कितने दिन में काम हुआ है? सर ये अभी विश्राम बाग में है, जहाँ पर प्रॉपर स्थापित ये यहीं पर रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। और इसका जैसे ही इनॉग्रेशन की डेट वो मेयर साहब की तरफ से आएगी। दिनों में बनाया, कितने लोगों ने बनाया और कौन कौन है इसमें कारीगर? सर ये बना है 3 से 3.5 महीने में, लोकेशन फाइनल करने से लेकर एंड तक का भी तक के लिए। और इसका मात्र 10 दिन का काम बाकी रह गया, जिसमें एक लाइट इंस्टॉलेशन और कोडिंग है, बाकी और कुछ नहीं है। ये सर जैसे अलग अलग राज्यों से हैं, जैसे कुछ यूपी से हैं, कुछ दिल्ली से हैं, और सभी ने यहीं रहकर 3 महीनों तक रहकर काम किया इसमें। इनके नाम मुस्लिम है? हाँ सर, कुछ मुस्लिम है, कुछ पिंटू है, मतलब हिंदू हैं, जैसे पिंटू हुए, ऐसे करके सभी ने मिलकर काम किया है। सर मुस्लिम कारीगर समथिंग 7 मुस्लिम कारीगर हैं। तो ये बनाने का उद्देश्य क्या था, ये आइडिया कहाँ से आया? सर ये सबसे पहली सोच मेयर साहब की थी कि जैसे जैसे अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है उसी तर्ज पर इंदौर में भी कुछ हो हमारे पास, उसको लेकर उन्होंने हमारे बड़े भैया उज्जवल सिंह सोलंकी और हम मुझसे बात की थी।
फिर वहाँ वहीं से उन्होंने मटेरियल दिया, इसमें आपका कुछ आपका क्या रोल है इसमें? सर इसके मतलब डिज़ाइनिंग और जो मतलब उसको डिज़ाइन करने में सारी चीज़ें को करने में वो हमारी तरफ से था, मटेरियल केवल वहाँ से आया था। अच्छा, पहले भी आपने इस तरह का वेस्ट मटेरियल से कुछ बनाया है? नहीं नहीं सर, ये हमारा पहला प्रोजेक्ट था। मंदिर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो किस तरह से वो डिज़ाइन में दिक्कतें आई आपको? अयोध्या का जो ओरिजिनल मंदिर है? नहीं सर, वो अयोध्या के ओरिजिनल मंदिर है, जो बेसिकली डिज़ाइन चलती आ रही है उसी तर्ज पर कुछ डिज़ाइन फाइनल करके किया गया है। अच्छा, ये आसपास जो पाउंड एक बना हुआ है नदी टाइप छोटी जी, यही क्यों चुना? ये क्योंकि सर देखा जाए तो अयोध्या में भी एक सरयू नदी है, तो मेयर साहब का भी कहना था कि जैसे ये लोकेशन बेस्ट रहेगी इस चीज़ के लिए। आपका नाम बताइए। लोकेश सिंह राठौर सर। आपका नाम बताइए। जहांगीर अंसारी। जहांगीर, ये बताओ ये आपने क्या बनाया है और किस चीज से बनाया है? ये राम मंदिर बना हुआ है। हाँ। ये सारे पार्ट पुर्जे स्क्रेप है, जैसे MCD का जो यहाँ का है वहाँ से जो जुटता है, जो भी लाइट के खम्भे उम्भे है, एंगल उंगल, सरिया और या पाइप और रेलिंग उलिंग का जो भी स्क्रेप जो गया है MCD में, उससे हम लोग ये बनाए हैं। अच्छा, इससे पहले कभी आपने बनाया हो इस तरह का कोई? जी सर, ये राम मंदिर तो मंदिर तो नहीं बनाया है, लेकिन और चीज अल्टरनेट चीज हम लोग बनाए हैं। सर एक दिल्ली में सराय का लेखा है, वहाँ पे 7 अजूबे बने हुए हैं, जैसे ताजमहल हो गया, जैसे 7 जो अजूबे हैं वो सारे बने हुए, एफिल टावर हो गया, पिज्जा हो गया, कुतुब मीनार वहाँ पे नहीं बना हुआ, वो दूसरी जगह बना हुआ है। जी मंदिर पहली बार बना के आपको कैसा लग रहा है राम मंदिर? जी सर अच्छा लग रहा है बना के। अच्छा, देश में भी राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, शुभारंभ होने जा रहा है जनवरी में, क्या कहना चाहेंगे? जी सर अच्छा है और होना चाहिए, होना चाहिए। आप जाओगे दर्शन करने, देखने जाओगे? जी सर, हम लोग को टाइम मिलेगा तो हम जाएंगे खुद ही। ठीक है, आपका नाम बताओ। जहांगीर अंसारी। कहाँ के रहने वाले? हम UP के रहने वाले हैं। UP में कहाँ के हो? देवरिया जिला। मैं तो इस पिलर को सोच रहा था, ये पिलर जो है ना लाइट वाला, इसको गुलाई लगानी सोच रहा हूँ, गुलाई इसको लगानी नहीं देख पाया। नहीं देख सार का है, मट्टी का है, थोड़ा सा ये पिलर के टाइप में अच्छा भी लग रहा था, इसलिए बोल रहा था। दो चाहिए, इधर भी चाहिए, इधर भी चाहिए, घंटे भी तो दो चाहिए थे। इसमें नेम प्लेट आएगी इधर उधर ऊपर लगता है अच्छा बनाया। नहीं, फाइल क्लियर है, ओनली फाइल क्लियर है।